नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। A1 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। कुलभूषण जाधव पर हार से पाकिस्तान में हड़कंप। इमरान खान ने नवाज शरीफ पर लगाया फिक्सिंग करने का आरोप, तो पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञों ने ICJ का फैसला नकारने से किया आगाह। गोवा के कुडचडे में नदी पर बने पुर्तगाली काल के पुल के टूटने से 50 लोग नदी में गिर गए। नदी में गिरे कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 2 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी 30 लोग लापता है जिनकी तलाश जारी है। देश के इतिहास में सबसे बड़ा टैक्स सुधार करार दिए जा रहे GST के तहत 80 से 90% वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स के रेट तय कर लिए गए हैं। श्रीनगर में जारी अपनी 2 दिन की बैठक के पहले दिन GST ने 1211 वस्तुओं पर टैक्स रेट तय किया है। GST 1 जुलाई से लागू किए जाने की योजना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में दिल्ली के CM केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी के जिरह के दौरान केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को अपमानजनक करार दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि अगर ऐसी टिप्पणियां केजरीवाल के निर्देश पर की गई है तो उन्हें पहले कटघरे में आना चाहिए और जेटली से जिरह से पहले अपने आरोप लगाने चाहिए। राजद के पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया गया है। अशोक की पत्नी चांदनी सिंह ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे देश में कानून की चक्की भले ही धीमी चलती हो लेकिन ये पिस्ती बहुत महीन है। चांदनी सिंह ने प्रभुनाथ सिंह के लिए फांसी की सजा की मांग की है। कांकेर जिले के पंखाजोर स्थित बैजनपुरी गांव में एक सिरफिरे आशिक ने युवती के शादी से इनकार करने पर उसे तलवार से घायल कर दिया। इसके बाद 110 फीट ऊंचे टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली। 15 मई को मथुरा में लूट की घटना के दौरान मारे गए मेघ अग्रवाल के परिजन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पूरे परिवार ने होली गेट चौराहा पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों की मांग है कि घटना में शामिल सभी बदमाशों का एनकाउंटर किया जाए। कांग्रेस नेता फैसल खान की शिकायत पर CM योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। फैसले ने आजम पर वक्फ की संपत्तियों को अवैध कब्जा और सरकारी खजाने के दुरुपयोग और सरकारी भवनों को गैरकानूनी तरीके से अपनी निजी जोहर यूनिवर्सिटी के नाम करने का आरोप लगाया था। झारखंड के सरायकेला में बच्चा चोरी की अफवाह पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई, साथ ही एक इंडिका कार को भी जला दिया। उन पर बच्चे उठाने का संदेह था। मृतक पशु व्यापारी थे। इस घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थरबाजी करते हुए उनसे मारपीट की। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ब्रिटेन में 60 साल पुराने एक भारतीय रेस्टोरेंट पर इंसानों का मांस परोसने का आरोप लगा। एक फर्जी न्यूज रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ये रिपोर्ट फेसबुक पर वायरल होने के बाद अब रेस्टोरेंट ऑनर को उसे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अमेरिका में अटलांटा एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने पिछले हफ्ते जिस 58 वर्षीय भारतीय नागरिक अतुल कुमार बाबू भाई पटेल को हिरासत में लिया उसके अस्पताल में मौत हो गई। पटेल 10 मई को इक्वाडोर से अटलांटा पहुंचा था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ने पाकिस्तान दूतावास के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें किन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने लेटेस्ट ICC टेस्ट रैंकिंग में अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी। ICC की ओर से जारी हालिया टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया को 123 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं और इसके साथ ही वो पहली पोजीशन पर कायम है। वहीं साउथ अफ्रीका टीम 117 पॉइंट्स के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। पिछली रेटिंग के मुकाबले उसे 8 अंकों का फायदा हुआ। पिछली बार उसके 109 पॉइंट्स थे। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत जीत के बाद फैसले पर अपनी खुशी व्यक्त करने वालों में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी शामिल है। मोहम्मद कैफ ने ट्वीट करके भारत को बधाई दी, साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि न्याय प्रबल है। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की जोड़ी 26 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। फिल्म गुजराती राइटर डायरेक्टर सौम्य जोशी के नाटक 102 नॉट आउट पर बन रही है फिल्म। फिल्म में अमिताभ 102 साल के व्यक्ति के किरदार में है और ऋषि उनके 75 साल के बेटे बने हैं। मेरे साथ खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।